बांग्लादेशो जो भी दुर्गा पूजा में हमला किया और पश्चिम बंगलार हिंदू लोगों के लिए हमला किया, ये बांग्लादेश और पश्चिम बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बने नहीं बनेगा तो मैं रोकना चाहता हूँ। इसलिए कि हम बंगालियों को या हिंदू धर्म को सनातन धर्म को जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उसे बहुत अच्छे से रहने दिया जाए और इस तरीके से काट मार की इज्जत लूटना या किसी तरीके से बर्बाद करना या किसी तरीके से तोड़फोड़ करना ना करें। बांग्लादेश के लिए भी यही सूचना है, कलकत्ता के लिए भी यही है, अदर प्रदेशों के लिए भी यही है। इस तरीके से बात को रखी जाती है कि बंगालियों के लिए कोई भी जुर्म नहीं होता, लेकिन ये बांग्लादेश जो है वो इस तरीके से हरकतें करते हैं कि भाई उसे मारना काटना या इज्जत लूटना ये नहीं होनी चाहिए। मुझे पीएम से करें, मैं केजरीवाल से भी कहना चाहूँगी, दिल्ली गवर्नमेंट से, जिन्होंने ये बात कही है कि यहाँ के प्रदर्शन इस तरीके से होते हैं कि हमें उर्दू पढ़ाना चाहे, हमें ये कराना चाहे, हमें वो करा जाए, लेकिन उर्दू की जगह पे संस्कृत क्यों नहीं लाया जाता, संस्कृत को क्यों नहीं बोला जाता, संस्कृत के ऊपर सारी भाषाएं चलती है तो क्यों नहीं करते इन चीज़ों को, और मुसलमानों को इतनी बढ़ावा दी जाती है, ये बढ़ावा नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से काम कोई भी नहीं चलनी चाहिए। किससे मांग कर रहे हैं सब कुछ? ये मैं भारत सरकार से करती हूँ। भारत हिंदू महासभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि जो बंगाल पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो नरसंहार हो रहा है, उस पर रोक लगे जाए। हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार आगे आए, माता बहनों के साथ जो कर्म हो रहे हैं उनकी सुरक्षा भारत सरकार का जिम्मेदारी बनता है, उनको उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।